इशारा उन्हें बीजेपी के वहां चले गए, उन्हों मध्य प्रदेश गए, भोपाल गए, भोपाल शिवराज चौहान की हमबरदारी तकरीब में नायडू साहब गए वहां जाके देशवासी तो बोले मेरे को आप देखेगा थे अब मैं भी सीएम बनता हूं। अरे आप देखना तो आपका अख्तियार जरूर है, ख्वाब देखने के लिए पैसों की जरूरत नहीं पड़ती, ख्वाब है आपका, आपका ख्वाब काफी रहेगा। मोदी से आपने तारीफ की, अब फिर मोदी की तारीफ की बात सोच रहे और ये बोल रहे कि कैसा करेंगे, मैं 10 साल से इख्तदार पर नहीं हूं। अरे इख्तदार की बात मत करो, सेकुलरिज्म की बात करो। कैसे तेलुगु देशम उनका साथ देगी और चंद्रबाबू नायडू मोदी से हाथ मिला रहे, मोदी के बाजू बैठ रहे, मोदी के गले में हाथ डाल रहे, अरे काका हाथ डालेंगे तुम। तेलंगाना का बिल आया, मजलिस शुरू से बोल रही, मजलिस क्या बोल रही शुरू से कि अगर तेलंगाना बनेगा तो मुस्तकबिल में हो सकता है, जिसको हमको ये खदशा है कि मुस्तकबिल में यहां पर बीजेपी मजबूत होगी। अब आप हमारे फैसले को गलत बोलो या सही बोलो, मगर अब आया है बिल। अब दुनिया में कोई एक दो कैपिटल नहीं है, हैदराबाद कहते हैं ज्वाइंट कैपिटल रहेगा, काका का कैपिटल रहेगा, हैदराबाद आंध्रा का भी कैपिटल कहते हैं, तेलंगाना का भी कैपिटल। अरे कोई मुल्क में एक मुल्क का दारुल हुकूमत दूसरे मुल्क में है, हिंदुस्तान में कोई रियासत का कैपिटल दूसरी रियासत में नहीं, यहां बना दिए दो का कैपिटल। अरे ये कैसा दो का कैपिटल रहेगा भाई, एक का रह सकता है ना, नहीं दो का बना दिए। कांग्रेसियों को पूछवा तो कांग्रेस ही बोल रहे अरे असद साहब उसकी गई तू बात कर रहे, मेरे को चीफ मिनिस्टर बन जान दो। अरे कैसे चीफ मिनिस्टर बनेंगे तुम, हैदराबाद में लाइन आर्डर गवर्नर के पास जो चीफ मिनिस्टर तेलंगाना का होगा वो तो राज प्रमुख रहेगा हैदराबाद में, बगैर लाइन आर्डर के क्या करेंगे। एक कांग्रेस ही नहीं बोल रहा इसके बारे में, क्यों नहीं बोल रहा आप, क्योंकि हैदराबाद में मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन मजबूत है। अगर हैदराबाद का लाइन आर्डर गवर्नर के पास है तो मैं सुदर्शन रेड्डी से कहना चाहूंगा कि निजामाबाद के एसपी भी गवर्नर नॉमिनेट करे, निजामाबाद का डीएसपी भी गवर्नर बनाए। क्या करेंगे आप परेशान हो जाएंगे। तो हैदराबाद में बोलते सीमांध्रा के लोग हैं, सीमांध्रा के लोग हैं तो क्या खतरा है उनको, हम पुकार कर कह रहे कि सीमांध्रा के लोगों को कुछ नहीं होगा, हम खंधे से खंधा मिलाकर उनका इनके साथ ठहरेंगे, उनकी जान और माल की हिफाजत करेंगे हैदराबाद में। अरे हैदराबाद का लाइन आर्डर तो नहीं रहेगा इंशाल्लाह गवर्नर के पास, हम इन पूरी कोशिश कर रहे हैं और मैं कह रहा हूं, खुल के कह रहा हूं कि अगर मरकजी हुकूमत हैदराबाद का लाइन आर्डर गवर्नर के पास रखेगी तो मजलिस उस बिल की भी तारीफ नहीं करेगी, हम नहीं करेंगे तारीफ। मैं आपको गारंटी से बोल रहा हूं, आज चीफ मिनिस्टर एक बयान दिए, चीफ मिनिस्टर रुशारी का बयान दिए, उन्होंने इशारों में बात कर रहे हम समझ गए। लिस्ट 2 को अगर छीते आप तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दस्तूरी तरमीम की जरूरत, दस्तूरी तरमीम माने 2/3 मेजोरिटी होना। रियासत को अगर बनाने का है तो सिंपल मेजोरिटी। अब आप बताओ किसकी नीयत अच्छी है बुरी। लिस्ट 2 अमेंडमेंट की बात आप कर रहे हैं, यह कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, ज्वाइंट कैपिटल का तस्वुर नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉमन गवर्नर का तस्वुर नहीं है दस्तूर में। और अरे अखल से महरूम लोगो, हाई कोर्ट क्या कर रहे तुम लोग, हाई कोर्ट निकालो ना, लेकर जाओ हाई कोर्ट। बोले नहीं,
ये धोखा दे रहे आप। और याद रखो, बगैर हैदराबाद के कैका का गाना कैका तेलंगाना। हैदराबाद है तो तेलंगाना है, हैदराबाद नहीं है तो गाजर की पुंगी है। कौन बात नहीं करता, कोई आवाज नहीं उठाता कांग्रेस के लोगों। तुम सिर्फ इख्तदार की हवस में इस आवाम को धोखा दे रहे हो। अरे कम से कम उनको तो धोखा मत दो, उन हजार बच्चों को जिन्होंने अपनी जाने गंवा दी। खोलो जबान, खोलो बताओ। मजलिस तो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी, पार्लियामेंट में इसकी मुखालिफत करूंगा, असेंबली में अगर आएगा ये। और मेरा मानना ये है कि आंध्र प्रदेश के असेंबली को अब वक्त आ गया है कि आंध्र प्रदेश के असेंबली इस पर डिबेट कर ले। स्पीकर साहब, जब सदर जमहूरिया की पास से आपको आ गया तो आप बहस करवा दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएंगे। बोल दो 15 दिन की 8 दिन की बहस कराओ, अगर बहस कराओ। क्यों नहीं करेंगे बहस आप? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तमाम की। और डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, हरगिज डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। ये बीजेपी 4 रियासत क्या जीत गई, हमको बोले देखो आगे आगे। अरे वोट देखे, ऐसे वोट देखे, वो गया लुंगी उठा के डराने का टाइम चले गया। ये संघ परिवार क्या है, मैं मरद नहीं तो मेरा बाप मरद बोलते हैं। ये बहुत से लोगों को हम देख चुके हैं। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों, मुत्तहिद रहिए, मुनज्जम रहिए, और इंशाअल्लाह ताला आने वाले असेंबली और पार्लियामानी इंतखाबात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इंतखाबात में भरपूर तरीके से हिस्सा लेगी।